जोरदार तालियों से मैं आमंत्रित करना चाहूंगी इस खास मंच पर बीजेपी के वरिष्ठ सांसद जगदम्बिका पाल जी का, और उनके साथ मौजूद होंगे समाजवादी पार्टी से बड़े नेता और नेता विपक्ष राम गोविंद चौधरी जी। आप दोनों का बहुत स्वागत है मंच पर सर, कहीं भी बैठ जाइए। और इस सत्र का संचालन करेंगे अनुराग मुस्कान। बहुत बहुत शुक्रिया चित्रा, आप जोरदार तालियों के साथ स्वागत कर सकते हैं मेहमान का। हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इस सेशन के दौरान मैं तो जगदम्बिका पाल जी से और राम गोविंद जी से सवाल पूछूंगा ही। आपके भी जो सवाल होंगे, आपके सामने कागज पेन रखा हुआ है, पेंसिल रखी हुई है, उससे आप सवाल लिख के चित्रा को दे सकते हैं, चित्रा मुस्तक आपके सवाल पहुंचा देंगी। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। कैसे हैं सर जगदम्बिका पाल साहब? आप बिल्कुल ठीक हूँ और मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के एक वर्ष पूरे होने पर, ठीक आज 18 मार्च और वो भी नया वर्ष 9 सितंबर को, ये ठीक एबीपी शिखर सम्मेलन आयोजित कर रहा है। ये निश्चित है जनता के लिए उपयोगी होगा, सार्थक होगा, इसकी उपयोगिता होगी, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। बधाई आपको भी। राम गोविंद जी कैसे हैं आप? माइक ले लीजिए। मैं भी ठीक हूँ और आपको बधाई देना चाहता हूँ, भाई जगदम्बिका पाल जी को भी बधाई देना चाहता हूँ। हम लोग मित्र हैं, एक यूनिवर्सिटी के पढ़े हैं, एक साथ विधानसभा में काम भी किए हैं। एक साल पूरा होने पर आपने जो आयोजन किया है, इसके लिए भी आपको बधाई। आज नवरात्र का पहला दिन है जी, इसलिए भी आपको बधाई कि हम लोग आधा पूजा छोड़ करके ही आपके इस कार्यक्रम में आ गए। जी, वैसे मुझे लगता है कि जिस तरीके से इस हार के बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम अपने अति आत्मविश्वास की वजह से हारे, उससे थोड़ा सा असमंजस पैदा हुआ। असमंजस ये पैदा हुआ कि अति आत्मविश्वास किस चीज का था? क्या यह विपक्ष की एकजुटता और उसकी ताकत को लेकर अति आत्मविश्वास था, या अपनी सरकार के कामकाज को लेकर के अति आत्मविश्वास था? क्या आप इसको क्लियर कर सकेंगे कि यह अति आत्मविश्वास क्या है? जरूर मैं क्लियर करूंगा। समाजवादी पार्टी और बसपा का जो गठबंधन है, अतीत में भी हो चुका है, तो ये गठबंधन समसामयिक तो हो सकता है लेकिन ये टिकाऊ नहीं है, इसलिए आज भी उनका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस हो नहीं पा रहा है कि वो कितना दिन चलेगा। लेकिन आपके लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस के बारे में तो योगी जी, आपके मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं कि वो अति आत्मविश्वास का शिकार हो गए। नहीं देखिए, दो बातें हैं, वो तो खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया आपका कॉन्फिडेंस। देखिए दो बातें हैं कि आज हम ये मानते हैं जमहूरियत में, प्रजातंत्र में, कि अपोजिशन होना चाहिए, और अपोजिशन होना चाहिए सिद्धांतों पे, होना चाहिए विचारधारा पे, होना चाहिए। आपने योगी जी को हरवा दिया। नहीं सुन लीजिए, और उसके बाद अगर आप हरवाने की बात कर रहे हैं तो 2014 में जब लोकसभा में जो आज दुनिया के नेता हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बने तो उस समय, उसके बाद और ये जो दो उपचुनाव गोरखपुर फूलपुर हुए हैं, 16 उपचुनाव हो चुके, एक लोकसभा का हुआ, 15 उपचुनाव हुए। आपको याद होगा तीन ही चार महीने के बाद हमारे 12 विधायक लोकसभा के सांसद हो गए थे, उस पे हुआ। और उस पे आपको मालूम है कि इन्होंने 11 सीटें जीती, हम उपचुनाव हार गए। और अगर 2014 के बाद हम उपचुनाव हारे और जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो 325 जीते, तो ये साफ है कि ये उपचुनाव हमारे आम चुनाव को प्रभावित नहीं करते। और उसके बाद आप देखिए कि हमने 21 राज्यों में भी जीता 2014 के बाद, तमाम उपचुनाव मध्य प्रदेश में, राजस्थान में हारे हैं। तो आज इस दो उपचुनाव से जितना राम गोविंद भाई इतरा रहे हैं, मुझे लगता है कि 14 के बाद भी उपचुनाव जीते थे। और अगर केवल ये कह रहे मुख्यमंत्री ये हार गए, तो इनको याद होगा क्योंकि विधानसभा हम दोनों साथ रहे हैं, कि अखिलेश मुख्यमंत्री थे तो डिम्पल जी हार गई थी। तो ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री रहते हुए अगर डिम्पल हारी थी, यहाँ तो एक कैंडिडेट हमारे बीजेपी के हारे, उनकी पत्नी हार गई थी। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते हैं कि इस उपचुनाव के बाद अति विश्वास की बात, मैं वो भी कह दूं क्योंकि जो सवाल आपने पूछा, अगर हर आदमी को गोरखपुर में लग रहा था हम तो जीत ही रहे, चाहे वोट डालने जाएं या न जाएं, तो लोगों ने एक तरह से, आपने मत का प्रतिशत देखा होगा कि लोगों को लगा कि हम अगर नहीं भी जाएंगे तो वोट तो पड़ ही रहा है। योगी जी जिस तरीके से लगातार गोरखपुर आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, गोरखपुर की पहचान पूरी दुनिया में, एज ए सांसद भी उन्होंने जिस तरह से काम किया है, तो मतों का प्रतिशत कम हुआ, हमको सबको लगा कि गोरखपुर वो जीत रहे हैं।
तो वो बात उन्होंने उसमें कहा कि हम अति विश्वास में हार गए, तो वो कहीं ना कहीं कोई चूक हुई उसकी हम समीक्षा करेंगे। निश्चित तौर से उपचुनाव हमारे लिए आई ओपनर है कि अगर हुआ कि कौन सी बातें हैं, लेकिन इस उपचुनाव से आप एक साल सरकार के जो पूरे हुए हैं, आप ये देखिए अभी कह रहे थे कि अघोषित इमरजेंसी, ये लखनऊ की जनता बैठी है। मैं समझता हूं कि पिछले अखिलेश की सरकार के लॉ एंड ऑर्डर को देख लीजिए और आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह से 1300 इनकाउंटर हुए, 40 बदमाश ढेर हो गए और लोग या तो अपनी जमानत, जो दुर्दांत अपराधी हैं, अपनी अपराध के बेल खारिज करा के जेल में जा रहे हैं। तो आज क्या घोषित इमरजेंसी है या लोगों को सुरक्षा लग रही है, ये जनता बता सकती है कि कानून व्यवस्था की क्या स्थिति। अपराधियों के एनकाउंटर की बात ठीक है, लेकिन फिलहाल उपचुनाव में तो पार्टी का एनकाउंटर कर दिया जनता ने। नहीं देखिए, ऐसा है कि डेमोक्रेसी में एक राइडर रहता है, जनता एक राइडर देती है। अगर हमारी सरकार है उपचुनाव में दिया तो निश्चित और बेहतर हम करेंगे। हमको कहीं भी हम अपनी और समीक्षा करके अगर कोई कमियां हैं, लेकिन सर एक साल तो जनता खुद वक्त देती है, जनता जानती है कि 5 साल के लिए आपको चुना है तो एक साल में आप क्या ही कर पाएंगे। उसके बाद भी अगर मुख्यमंत्री अपना गढ़ अपना मठ हार जाते हैं तो ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है। देखिए ऐसा नहीं, ये वो सीट नहीं थी कि जो हारने के बाद आप सीखेंगे, या फिर जो हारना लगा रहता है इसको आप हार जीत का खेल तो नहीं कह सकते। ठीक करें, गोरखपुर सीट हमारी निश्चित तौर से हमारी सीट। फूलपुर अगर आप देखें तो फूलपुर आजादी के बाद से कांग्रेस के पास थी, फिर कभी सपा के पास थी, कभी बसपा के पास थी। केशव मौर्या जी पहली बार जीते थे 1952 से आज तक के चुनाव में। वो हमारी सीट नहीं थी, तब भी हम उस सीट को जीते थे, और लेकिन गोरखपुर हमारी थी। अब गोरखपुर जब जिस तरीके से मैंने एक बात कही कि लोगों को लगा कि हम गोरखपुर तो जीत रहे हैं, तो चलो आज छुट्टी मना लें, मतों का प्रतिशत कम हुआ और कुछ लोकल कम्बिनेशन जिस पीस पार्टी को, आप सोचिए कि ये किसी विचारधारा का गठबंधन, जातीयता के आधार पर डॉक्टर अयूब की पार्टी है, ये हम पे आरोप लगाते हैं हम सोशल इंजीनियरिंग करते हैं। अब इस लेवल पे उतर आए हैं कि इन्होंने सांप्रदायिकता के आधार पे एक पार्टी को ले लिया अयूब की, फिर उन्होंने दूसरी पार्टी ले लिया, उस पार्टी के उम्मीदवार को अपना उम्मीदवार बना लिया। तो अब पेमन जोड़ करके अगर वो जीत गए हैं तो निश्चित तौर से पेवन बहुत दिन चलता नहीं, फट जाता है जल्दी, आप देख लीजिएगा। अखिलेश यादव ने कहा ईवीएम अगर सही होती तो और मार्जिन से जीतता उनका प्रत्याशी। अच्छा, अगर ईवीएम सही होती तो वो जीतते कि उनके कैंडिडेट हार जाते, इसका मतलब झूठ बोल रहे हैं। अगर ईवीएम ही सही है तभी वो चुनाव जीते हैं। अब तो कम से उनको स्वीकार कर लेना चाहिए यहाँ करके कि ईवीएम पे जो हमने आरोप लगाए हैं वो गलत है, और चुनाव आयोग ने भी तो उनको चुनौती दी। ईवीएम को टेस्ट में पास कराने के लिए तो नहीं चुनाव भरवा दिया। देखिए ऐसा है कि ईवीएम पे तो कांग्रेस पार्टी जिसके साथ रहना चाहती है, क्योंकि आपके नेता बड़े ठोक कर ये बात कह रहे हैं कि अब ईवीएम की इज्जत बच गई, तो ईवीएम की इज्जत बचाने के लिए तो नहीं आपने योगी जी की सीट बलि चढ़ा दी, मौर्य साहब की सीट बलि चढ़ा दी। पत्रकार होके आप ये कहें, नहीं नहीं मैं तो जनता का संशय आपके सामने रख रहा हूँ। कल आप चुनाव आयोग को भी सरकार का पार्ट मान लें तो मैं समझता हूँ, मैं ये अपेक्षा आपसे नहीं कर रहा। नहीं मैं नहीं मान रहा, लेकिन विपक्ष का ही आरोप लगता रहा है, विपक्ष का ही आरोप लगता रहा है जो आपने कहा। आरोप क्या, चुनाव आयोग ने इनको बुलाया नहीं, आल पार्टी को बुलाया, उनको उन्होंने डेमो दिया, प्रेजेंटेशन दिया और चुनौती दी कि अगर कहीं ईवीएम में छेड़छाड़ हो सकती है तो वो छेड़छाड़ बताइए। और उसके बाद सब पार्टियां गईं और ईवीएम में जब कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ तो अब भी अगर अखिलेश जी ने मीटिंग बुलाई थी, याद करिए, कांग्रेस पार्टी नहीं शामिल हुई थी। इससे साफ है कि कांग्रेस पार्टी इनसे सहमत नहीं थी कि ईवीएम में कोई छेड़छाड़ हो सकती, उसी से दूरी हुई। नहीं तो जिस तरीके से दो युवा इस विपक्ष में रहते हुए ईवीएम में छेड़छाड़ की कहानी आपने शुरू की थी। राम गोविंद जी, आपके लिए एक सवाल आया है। जय वत्स हैं लखनऊ से, ये पूछना चाहते हैं कि चाचा भतीजे नहीं चल पाए तो बुआ के साथ कितना चलेगा गठबंधन? एक बात सुनिए, समय की परिस्थिति होती है, भाई भाई में झगड़ा हो जाता है, सवेरे लाठी चल जाती है, शाम को माँ दोनों को मिला करके साथ ही खिलाती है, बैठ के खाती है। भाई भाई का झगड़ा बहुत दिन तक नहीं चलता, चाचा भतीजे का झगड़ा बहुत दिन तक नहीं चलता, बाप बेटे का झगड़ा बहुत दिन तक नहीं चलता, पति पत्नी का झगड़ा बहुत दिन तक नहीं चलता। और ये राजनीतिक झगड़ा नहीं है, झगड़ा सब परिवार एक है। अभी हमारे नेता मुलायम सिंह जी, भैया आपने सुना अभी, अब फिर उधर का बात कर रहे हैं, कोर्ट कचहरी जाते हैं, लोग कत्ल हो जाता है, अभी माननीय नेता जी का बयान आया, अभी शिवपाल जी का क्या बयान आया, मायावती जी के समर्थन के बाद जो दो सीटें सीती, तो माननीय शिवपाल जी का क्या बयान आएगा कि अगर ये समझौता पहले हो गया होता तो प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश होते, मायावती इनके लिए छोड़ देती, मायावती जी इनके लिए छोड़ देती। अभी रोज अखिलेश जी कह रहे हैं कि हम क्या करने के लिए तैयार हैं,
लोग पूछते हैं क्या त्याग, कहें मायावती जी वहां जाएंगे जहां आप हैं। ये कहते हैं वैसे मिलके आए हैं आप प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन पाल साहब का सवाल सही है कि मायावती जी छोड़ देती क्या मुख्यमंत्री का पद? मायावती जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। अब ये देखिए मतलब अखिलेश यादव, अब यही साफ हो गया कि अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, आप ये भूल गए प्रधानमंत्री तो राहुल गांधी क्या करेंगे? राहुल गांधी क्या करेंगे? वो भी तो आपके गठबंधन में है। यूपी को यह साथ पसंद है? राहुल गांधी क्या करेंगे? हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। फंस गए आप रामगोविंद जी, आप फंस गए रामगोविंद जी। मुख्यमंत्री बनेंगे अखिलेश यादव, मायावती बनेंगे प्रधानमंत्री, तो राहुल गांधी क्या करेंगे? बताते हैं ये गठबंधन अभी तो हुआ नहीं, ये गठबंधन लेकिन सपा और कांग्रेस का तो है। मायावती जी का सपा और कांग्रेस का तो है, समर्थन था मायावती जी का, गठबंधन नहीं था। सपा आप एक बात क्लियर करिए ना, समझौता तो बन ही रहा है। साझा भी मायावती को कैसे खुश किया ये मालूम हो गया। नेता विपक्ष होकर अगर आपने ये कह दिया कि मायावती जी प्रधानमंत्री की योग्य उम्मीदवार हैं, तो इसका मतलब है कि आप रास्ते पर चल पड़े गठबंधन के। पर जी पर विश्वास प्रस्ताव आया था परमाणु समझौते वाले मामले में, तो उसी समय प्रधानमंत्री बना रहे थे भाजपा के, उसी समय बनाई कांग्रेस में उस समय थे भाजपा के लोग, उस समय ही मानी मांझी को प्रधानमंत्री। ठीक है मैंने मान ली, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। प्रधानमंत्री में कोई झगड़ा नहीं, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मायावती प्रधानमंत्री, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री, राहुल गांधी कौन? उस हम समझौता उस समय हो जाएगा। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।